Today in this video, I want to tell you that psychology is the science of behavior and cognitive processes. I also want to tell you that psychology is emerged from the domains of physiology and philosophy. I also want to tell you that psychology should study what? Is it behaviorism, structurism or functionalism? Hello friends, welcome to TC Reviews. Kaise ho? I hope you all are well. So, aaj ki is video mein main lekar aaya hoon Psychology by Robert A. Baron and Gishor Mishra ki book. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस बुक के कंटेंट को। मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक आपको कहां कहां पे मदद कर सकती है और कितनी आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती है। वैसे अगर मैं बात करूं यूजफुलनेस की, तो आप एक रफ आइडिया लगा सकती हो कि इस बुक का जो कंटेंट है वो यूपीएससी सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन साइकोलॉजी का जो ऑप्शनल पेपर वन होता है उसके रेलिवेंट है। साथ के साथ हम जानेंगे कि अगर आप यूजी में साइकोलॉजी को एज योर मेन डोमेन परस्यू कर रहे हो तो ये बुक आपको कितना हेल्प कर सकती है। टोटल 16 चैप्टर्स आपको इस बुक के अंदर मिलते हैं। एक अपेंडिक्स मिलता है जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया जाता है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट एडिशन है, यानी कि एक अडेप्टेड वर्जन है रॉबर्ट ए बेरोन का। गीशोर मिश्रा ने इसको अडेप्ट किया है। 5th एडिशन है जो कि 2016 के आसपास पब्लिश हुआ था। पियर्सन ने इस बुक को पब्लिश किया है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये बुक आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 799 इसकी MRP है, लेकिन आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मौजूद है। तो आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती है, क्योंकि आपको ओवरऑल इस बुक के कंटेंट के बारे में पता चल जाएगा। आप जान जाओगे कि इस बुक को पढ़कर आप साइकोलॉजी के बेसिक्स को अच्छे से बिल्डअप कर पाओगे या नहीं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रूव हो सकती है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स बिगिन द शो और जानते हैं इस बुक के बारे में। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है आपके सामने साइकोलॉजी बाय रॉबर्ट ए बेरोन एंड गिरीश्वर मिश्रा की बुक। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एडिशन है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो हम चलते हैं इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स की ओर। पता करते हैं कि वो कौन से 16 चैप्टर्स हैं जो इस बुक के अंदर कवर किए गए हैं। तो याद आता है आपका कंटेंट। सबसे पहला चैप्टर रहता है इसमें साइकोलॉजी अ साइंस एंड अ पर्सपेक्टिव। दूसरा चैप्टर है इसमें बायोलॉजी कल्चर एंड ह्यूमन बिहेवियर। थर्ड चैप्टर जो इसमें आपको मिलेगा वो है सेंसेशन एंड परसेप्शन, मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड अस, जिसमें आपको सेंसेशन के बारे में बताया जाएगा, विजन के बारे में बताया जाएगा, हियरिंग के बारे में बताया जाएगा और जितने भी तरह के सेंसेस होते हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। फोर्थ चैप्टर रहता है इसमें स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। फिफ्थ है इसमें लर्निंग, हाउ वी आर चेंज बाय एक्सपीरियंस, जिसमें आपको क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पता चलेगा। फिर आपको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बताई जाएगी और ओपिनियन कंडीशनिंग क्या होती है वो आपको पता चलेगा। 6th चैप्टर रहता है मेमोरी ऑफ थिंग्स रिमेंबर्ड एंड फॉरगॉटन। फिर 7th चैप्टर है इसमें कॉग्निशन, थिंकिंग, डिसाइडिंग एंड कम्युनिकेटिंग। फिर उसके बाद जो आपको 8th चैप्टर मिलता है इस बुक के अंदर वो है ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 1 द चाइल्डहुड ईयर्स। उसके बाद 9th चैप्टर रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2 एडोलेसेंस एडल्टहुड एंड एजिंग। 10th है इसमें मोटिवेशन एंड इमोशन। 11th चैप्टर है इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटिव प्रैक्टिकल एंड इमोशनल। 12th चैप्टर है पर्सनैलिटी यूनिकनेस एंड कंसिस्टेंसी इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। 13th चैप्टर आपको इसमें मिलता है हेल्थ स्ट्रेस एंड कोपिंग। 14th चैप्टर रहता है मेंटल डिसऑर्डर्स देयर नेचर एंड कॉजेज। उसके बाद आपको 15th चैप्टर इस बुक में मिलेगा थेरेपीज टेक्निक्स फॉर एलिविएटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। 16th है और जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का वो है सोशल थॉट एंड सोशल बिहेवियर। आफ्टर डैट आपको एक अपेंडिक्स मिलेगा जिसमें आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया जाएगा, उसके क्या यूजेस हैं और क्या पोटेंशियल अब्यूजेस हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको मिलेगी, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सभी जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं वो साइकोलॉजिस्ट को काफ़ी हेल्प करते हैं, इसलिए एज अ अपेंडिक्स आपको इस बुक के अंदर ये मिलेगा। तो हम पहले चैप्टर को देखते हैं। उससे पहले आपको ये इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। एक टाइमलाइन मिलेगी, जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड इवेंट्स हुए, जो भी घटनाएं घटित हुई वो आपको बताई जाएंगी ईयर वाइज मैनर में। जैसे वर्ष 1875 में 1875 में विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी का पहला कोर्स ऑफर किया US में। उसी तरह से आपको साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में पता चलेगा इस टाइमलाइन के माध्यम से। फिर दोस्तों इसके बाद आपको पहला चैप्टर मिलता है जो कि है साइकोलॉजी अ साइंस एंड पर्सपेक्टिव। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है चैप्टर आउटलाइन से, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पाए होंगे। यहाँ पे आपको बताया जाता है कि इस चैप्टर के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा कि साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा और साइकोलॉजी के बारे में तो इवेंचुअली आपको पता चलेगा ही चलेगा। फिर ये मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में आपको पता चलेगा, कैसे साइकोलॉजी ओरिजिनेट हुई आपको बताया जाएगा। साइकोलॉजी की डेफिनेशन मिलेगी आपको और येलो बॉक्स में आप देख
देख सकते हैं अलग से डेफिनेशन दी गई है। ये जो आपको थ्योरी मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा इलस्ट्रेटिव मिलती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको डेफिनेशन तो मिलेगी लेकिन इलस्ट्रेशन के साथ आपको बिल्कुल टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन आप डेफिनेशन को अलग से देख सकते हो येलो बॉक्सेस में, जो सबसे ज़्यादा खास बात मुझे इस बुक की लगी। फिर इसके बाद आपको साइकोलॉजी के पेरेंट्स के बारे में बताया जाएगा, बेसिकली वो दो हैं, फिलोसॉफी और फिजियोलॉजी। बीच बीच में आपको फिगर्स भी मिल जाती हैं, जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट की है जिन्होंने पहली लेबोरेटरी फाउंड की थी साइकोलॉजी की इस पूरे विश्व में ईयर 1879 इन जर्मनी। फिर आपको ये येलो बॉक्सेस में डेफिनेशंस देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो आपको स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की डेफिनेशन मिलती है। फिर आपको इसी तरह से फिगर्स मिलती रहेंगी, ये वॉटसन और स्किनर की है, जॉन बी वॉटसन और बी एफ स्किनर स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल सपोर्टर्स थे बिहेवियरिज्म के। फिर आपको एक सब टॉपिक मिलेगा, चैलेंजेस टू बिहेवियरिज्म एंड द एमर्जेंस ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। टेक्स्ट के बीच में दोस्तों आपको फ्लोचार्ट्स और फिगर्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक फिगर के फॉर्म में फ्लोचार्ट है जिसमें आपको टाइमलाइन बताई जाती है जो भी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स रहे साइकोलॉजी के इतिहास में। फिर आपको ये साइकोलॉजी इन इंडिया का एक मेजर टॉपिक मिलेगा जिसमें एंशियंट रूट्स और मॉडर्न डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। फिर आपको ये मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, कुछ सब्सटेंशियल और मेथोलॉजिकल इशूज इसमें डिस्कस किए गए हैं। जैसे ही कोई मेजर टॉपिक ओवर होता है उसके बाद ही आपको ये रिव्यू क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर आपको साइकोलॉजी इट्स ग्रांड इशूज एंड की पर्सपेक्टिव के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको बीच बीच में टेबल्स भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ये पहली टेबल है इस चैप्टर की, मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जितने भी पर्सपेक्टिव्स रहते हैं चाहे वो बिहेवियरल हो, कॉग्निटिव हो, बायोलॉजिकल हो, इवोल्यूशनरी हो, फेमिनिस्ट हो, ह्यूमनिस्टिक हो, उन सब के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। फिर आपको रिव्यू क्वेश्चंस मिलते ही रहेंगे। कंटेम्पोरी साइकोलॉजी के बारे में आपको बताया जाएगा, आपको मिलेगी जिसमें आपको साइकोलॉजी के कुछ सब फील्ड्स के बारे में जानकारी मिलेगी, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी, और उनकी आपको डिस्क्रिप्शन भी मिलेगी। फिर आपको साइकोलॉजी और डाइवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा, बीच बीच में आपको फिगर्स मिलती है और रियल लाइफ एग्जांपल्स पर बेस्ड ही आपको ये इमेजेस मिलती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते होंगे। फिर आपको साइकोलॉजी में जो भी रिसर्च मेथड्स रहते हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया जाएगा कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, आपको डेफिनेशन मिलती है येलो बॉक्सेस में, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते होंगे, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। फिर आपको एक ग्रीन बॉक्स मिलता है जिसमें आपको मेकिंग साइकोलॉजी पार्ट ऑफ योर लाइफ, हाउ टू स्टडी साइकोलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट इफेक्टिवली, इसमें आपको एक गाइडलाइंस टाइप की मिलेंगी। जैसे ही चैप्टर की थ्योरी ओवर होती है आपको फिर ये समरी एंड रिव्यू का सेगमेंट मिलता है जिसमें आपको रिवीजन कराया जाता है आपने जो कुछ भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज आपको समरी मिलेगी और समरी भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी है, आप अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हो, अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे अगर चैप्टर को आपने सही तरीके से समझ लिया है, आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई है। तो फिर इसके बाद आपको ये क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आपको अप्रेजल और कंट्रोवर्सी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, साथ ही साथ आपको ये मेकिंग साइकोलॉजी पार्ट ऑफ लाइफ, आपको साइकोलॉजी पढ़नी नहीं है उसको जीवन का हिस्सा बनाना है, उसी तरह से आपको एक ये क्वेश्चन मिलेगा। फिर ये दूसरा चैप्टर रहता है बायोलॉजी, कल्चर एंड ह्यूमन बिहेवियर, तो सभी चैप्टर्स का यही पैटर्न रहेगा, आपको एग्जॉस्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी मिलेगी। बीच बीच में आपको येलो बॉक्सेस मिल जाएंगे जिनमें आपको साइकोलॉजिकल टर्म्स की डेफिनेशंस और टर्मिनोलॉजी मिलेगी, साथ के साथ आपको फिगर्स मिलेंगी, फ्लो चार्ट्स मिलेंगे और टेबल्स मिलेंगी जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करने में। फिर इस चैप्टर में आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताया जाएगा, न्यूरॉन्स जो कि नर्वस सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आपने क्लास 10 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाली चैप्टर में ही पढ़ा होगा साइंस के, कि न्यूरॉन जो होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, सेल बॉडी, एक्सोन और डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फिर आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है न्यूरॉन का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो एक इलस्ट्रेटिव फिगर आपको देखने को मिल जाती है, न्यूरॉन्स के बेसिक फंक्शंस आपको समझाए जाएंगे और येलो बॉक्सेस में आपको जो डेफिनेशन मिलती है वो रियली काफ़ी हेल्प करेगी। तो पैटर्न सभी चैप्टर्स का यही रहने वाला है और मेरे अनुसार ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू कर रहे हो साइकोलॉजी में, या फिर यूपीएससी सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और साइकोलॉजी को आपने एज एन ऑप्शनल पेपर चूज किया है। तो देखिए पेपर टू में तो ये बुक इतनी हेल्प नहीं करेगी, लेकिन पेपर वन में डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगी। हालांकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने पड़ेंगे क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़कर, फिर आप इस बुक पर मूव कर सकते हैं, आपका बिल्कुल बेस बिल्डअप हो जाएगा इस बुक को पढ़ने के बाद और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि पेपर वन में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जो मेन एग्जामिनेशन के ऑप्शनल पेपर रहते हैं साइकोलॉजी की। पेपर टू के बारे में हम बात किसी और वीडियो में करेंगे, फिलहाल हम पेपर वन के लिए देखते हैं, तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा कारगर आपके लिए साबित हो सकती है। लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा ईजी रहती है और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा ही होगा, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट एडिशन है, यानी कि एक अडेप्टेड वर्जन है बुक का, जो ओरिजिनल है वो अलग है, ये इंडियन एडिशन है, तो इसमें जो आपको थ्योरी मिलती है, जो
आपको टेक्स्ट मिलता है वो इंडिया से रिलेटेड मिलता है, जो आपको इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो इंडिया से रिलेटेड ही मिलेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिजीनियस फीलिंग आएगी इस बुक को पढ़ने में। तो बुक काफ़ी बेहतरीन है, इस बुक पे आप मूव कर सकते हैं, इस बुक के साथ आप स्टडी कर सकते हैं, ना सिर्फ आपको ये यूपीएससी में बल्कि अगर आप अपना साइकोलॉजी में एक बेस तैयार करना चाहते हैं तो इस बुक के साथ कर सकते हैं। और साथ के साथ आप अगर अंडर ग्रेजुएट में साइकोलॉजी परस्यू कर रहे हैं तो ये बुक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और विजुअली रिच ये बुक रहती है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी, थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, आपको ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, काफ़ी ज़्यादा टफ हो, आपको एक इंडियन अप्रोच के साथ साइकोलॉजी की बुक तैयार की हुई मिलती है। तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।